इस बार बहुत जोर से नारा भी लग रहा है। अब लगभग चुनाव भी थमने को, आखिरी चरण बचा हुआ है जो 1 जून को होना है। बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन लगातार ये दावा कर रही है कि 40 के 40 सीट, यानी बिहार में जो 40 के 40 लोकसभा सीट हैं वो हमारे पास आई। अब इस दावे में कितना दम है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ये दावा पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार 39 सीटें फिर भी एनडीए गठबंधन के खाते में आ गई थी, सिर्फ किशनगंज का जो सीट था वो कांग्रेस के हाथों में गई थी, लेकिन इस बार 40 के 40 सीट क्या एनडीए गठबंधन के पास आता हुआ दिख रहे हैं? इसमें कितना दम है, इसमें कितने पुख्ता ये लग रहा है कि एनडीए गठबंधन इन सीटों को अपने पाले में ला सकती है या लाने के लिए, क्योंकि लगातार एनडीए गठबंधन के जो भी नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि देश में पूरे 400 से पार और बिहार में 40 के 40 सीट हमारे। लेकिन समझना होगा कि 40 के 40 सीट क्या सच में आ रहे हैं, क्योंकि आप यूँ देख लीजिए कि कुछ सीटें हैं जहाँ पे हालात इतने आसान नज़र नहीं आ रहे। अब इसको समझ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2019 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा टर्म का चुनाव था, तब प्रधानमंत्री ने बिहार में 11 जनसभाएं की थी। जी हाँ, कुछ ऐसे ही आंकड़े दिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो 2019 में 11 जनसभाएं थी, लेकिन इस बार उन्होंने उनकी जो जनसभाएं हैं वो काफ़ी है। अगर उसको देखा जाए तो काफ़ी जगह पे 15 से 16 जनसभाएं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं। उनकी उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर बात करें तो 11 उनकी जो है वो रैलियां हैं। लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि उनकी कहाँ कहाँ रैलियां इस बार हुई हैं, तो अगर आप देखें तो जमुई में उन्होंने अपनी रैली की, इसके अलावा नवादा में उन्होंने अपनी रैली की, गया में किया, पूर्णिया में किया, अररिया में किया, मुंगेर में किया, दरभंगा में किया, हाजीपुर, वैशाली, सारण, इसके अलावा बक्सर, काराकाट, पाटलिपुत्र, ये सब जगहें हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की हैं। पिछली बार से ज़्यादा रैलियां इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी पड़ी। यहाँ तक कि बीजेपी का जो सबसे एक कहा जाता है कि मजबूत सीट पटना साहिब की बात होती है, वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है पटना में रोड शो करना पड़ा, रैलियाँ करनी पड़ी। तो चीज़ें आसान दिख नहीं रही, भले ही बातें खूब चल रही हैं कि चुनाव में हम 40 के 40 सीटें लेकर आएंगे, लेकिन क्या इतना आसान होगा इस बार 40 के 40 सीटें? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका अंदेशा एनडीए गठबंधन को भी है, इसी वजह से प्रधानमंत्री के लगातार इतने रैलियां हो रही थी बिहार में। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, देखिए लोगों से भी मैंने बातचीत की है ऑन रिकॉर्ड, बहुत सारे लोग असली चीज़ें बताने से बहुत कह सकते हैं कि बचते हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो हमने बातें की हैं तो लोगों ने यही कहा है कि इस बार इतना आसान नहीं रहने वाला। इसकी प्रमुख वजहें हैं, युवाओं से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि रोज़गार हमें नहीं मिल पाया है, मतलब जब से बीजेपी की सरकार रही है तब से उतना ज़्यादा रोज़गार हमें प्राप्त हुआ नहीं जितना होना चाहिए। तो युवाओं में नाराज़गी है, लगभग हर सारे युवा का यही एक राग है कि रोज़गार हमें नहीं मिल। खैर, रोज़गार के अलग अलग मुद्दे हैं, अगर उस पर चर्चा होगी तो फिर बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये है।
बुज़ुर्गों का कहना है, बहुत सारे बुज़ुर्ग मिले हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए में काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, और उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोग नाराज़ भी दिख रहे थे और कुछ लोग एनडीए के शासन से खुश भी दिख रहे थे। बिहार की राजनीति को अगर आप समझिएगा तो यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव का जब जितना मैंने बात करके लोगों से समझ के इन चीज़ों को देखा है, तो बिहार में इलेक्शन जो है ये लोकसभा इलेक्शन केंद्र के मद्देनज़र मतदाता वोट नहीं कर रहे, वो अपने क्षेत्र के विकास के स्तर पे वो जो हैं वोटिंग कर रहे हैं। मतलब यूँ एक तरह से कह लीजिए कि उनका अगर कैंडिडेट अच्छा है तो वो वोट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कैंडिडेट हमारा अच्छा होगा, हमारी सड़कें नली गली अगर बनाने वाला कोई होगा तो हम उसको वोट देंगे। यूँ एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये विधानसभा वाला चुनाव की तरह जो है बिहार में मतदाता सोचकर वोट कर रहे हैं। दिल्ली की राजनीति से इनका कोई भी सरोकार नज़र नहीं आता है। जब इनसे बातें हम लोगों ने की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी गांव की समस्या सही हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सड़कें बने, हमारी नली गली जो है वो खस्ता हालत है वो सही हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो इस स्तर पे अपने विकास पे, अपने क्षेत्रीय विकास के स्तर पर वोट देने की बात कर रहे हैं। और इसका उदाहरण बहुत सारी जगहों पे है, जैसे काराकाट एक सीट है जहाँ पे एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पे चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो रिज़ल्ट बताएगा, लेकिन पवन सिंह के आने से और जिस तरह से उन्हें युवाओं का ख़ास तौर पे सपोर्ट मिल रहा है, युवाओं को पवन सिंह के लिए जो है काफ़ी प्यार उमड़ कर देखने को मिल रहा है। पवन सिंह की सभाओं में भीड़ भी उमड़ रही है और लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ जाया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी वक्त से दूर भी रहे हैं और लोगों में नाराज़गी भी ये रही है कि उपेंद्र कुशवाहा कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, तो इस वजह से लोग उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं। और देखिए इससे क्या नुकसान होने वाला है, पवन सिंह अगर मान लीजिए चुनाव नहीं भी जीतते हैं तो इससे बीजेपी को ज़्यादा नुकसान, बीजेपी को नुकसान ये होगा कि जो फॉरवर्ड वोटर हैं, जो फॉरवर्ड कास्ट के वोटर हैं वो बीजेपी के पक्ष में दिखते हैं, अक्सर उनके जो वोट्स हैं वो बीजेपी के तरफ जाते हैं, एनडीए की तरफ जाते हैं, लेकिन पवन सिंह के आने के वजह से फॉरवर्ड जो वोटर्स हैं खासतौर पे युवा वो पवन सिंह की तरफ नज़र आ रहे हैं, उनकी सभाओं में भी नज़र आ रहे हैं और लोगों का रुझान उनकी ओर दिख रहा है। अब ऐसे में क्या ये आसान होने वाला है, क्या 40 के 40 सीट होंगे या फिर इस बार एनडीए गठबंधन को 5-6 सीटों का नुकसान झेलना पड़े। फिलहाल ये हमारी कुछ एनालिसिस थी कुछ लोगों के बात के आधार पे, कुछ तमाम जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहे हैं इस समय, राजनीतिक जो मापदंड देखने को मिल रहा है उस पर हमारी ये छोटी सी एनालिसिस थी। फिलहाल आप ज़रूर बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार इतनी रैलियां, 16-17 रैलियां उन्होंने बिहार में कर दी, ये क्या दिखाता है। इसके अलावा कुछ कुछ सीटों पे जिस तरह से पेंच फंस रही है दूसरे कैंडिडेट के आने से, निर्दलीय कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं उससे नुकसान, और काराकाट सीट पे क्या होने वाला है, बड़ा बेहतरीन सीट है। जहानाबाद में भी आप देखिए कि अब अरुण कुमार बसपा की तरफ से खड़े हो गए हैं और उनका भी जहानाबाद की राजनीति में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, वो भी लोकसभा की टिकट पे जीत चुके हैं, पहले वो सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी पूरा प्रभाव जो है वो दिखेगा और देखना होगा कि इससे किस पार्टी को कितनी क्षति पहुंचती है। लेकिन ये आखिरी फेज़ बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए
तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिलहाल इसी तरह की और तमाम एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।